तो चलिए सबसे पहले आप देखो रिलैक्स एक दिन हो गए जितने बच्चे होने थे। और यकीन मानिए अगर आज भी बच्चा पढ़ने लगे ना कॉस्ट, आज के डेट में 5 दिन में इस तरीके से मैं समझाऊंगा वही फॉलो करिए, इजिली अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, सिर्फ पास नहीं होंगे। तो सर हमारा कॉस्ट अकाउंट है और ये मैं प्रोग्राम वालों के लिए और एसएल का जो 3 तारीख को एग्जाम है उसकी मैं बात करने जा रहा हूं। सर हमें एक थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से चलना होगा और टॉपिक वाइज भी बता दूंगा कि इसमें से क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ने चाहिए, क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो पढ़ने चाहिए। मैं चैप्टर वाइज अगर लेके चलूं तो चैप्टर वाइज में सबसे पहले हमें जो साथ में लेके चलना है, ग्रुप बना देता हूं मैं कि इस ग्रुप में पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा। कॉस्ट शीट, इसके बाद सिंगल आउटपुट, इसके बाद जॉब कॉस्टिंग, इसके बाद आपको रिकंसिलेशन, रिकंसिलेशन कॉस्ट रिकंसिलेशन सीआरएस बोल देते हैं, सीआरएस ठीक है। इसको सभी को अभी आपके पास इनफ से इनफ टाइम में मान के चलूंगा, इन सभी को एक साथ उठाइए इस चैप्टर को। एक मैं यूनिट की बात नहीं करूंगा, आप इसको नंबर 1 पे प्रायोरिटी रखिए, फर्स्ट टाइम में ये करेंगे। सर अब मैं टॉपिक्स भी लेके चल रहा हूं क्योंकि इसके अंदर से आप टॉपिक जो करेंगे वो करेंगे जिसके अंदर आपको क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक फाइंड करने वाला था। चार्ट में ऑलरेडी एप्लीकेशन के अंदर ईच एंड एवरीथिंग गिवन है, तो क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करने वाला करना है। सिंगल आउटपुट के मैंने 3 क्वेश्चन कराए, पूरा करिए इसको। जॉब बैच कॉस्टिंग का 1 क्वेश्चन कराए, पूरा करिए। जो कॉस्ट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है इसके अंदर से आपको स्टेटमेंट या P&L बनाना एंड एंड CRS कॉस्ट शीट बनाना, दोनों जिसमें बनाना पड़ता है वो वाला टॉपिक अच्छे से प्लान करिए। और सिंपल वाला, ऐसा नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ वो और बाकी को आप बिल्कुल ही छोड़ देंगे, बाकी को आप रिमाइंड करिएगा। सर इस चैप्टर में से, मैं सिर्फ इस चैप्टर की बात कर रहा हूँ, टोटल आने के चांसेस 20 मार्क्स के हैं, टोटल 20 मार्क्स के, ठीक है। पहले चैप्टर में से 15 की थ्योरी को मैं हटा के बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ किसके सर, प्रैक्टिकल के। 20 मार्क्स के आने के चांसेस है, क्लियर आ रहा है मुझे तो, विजुअल है लेकिन आप भी बता दीजिए एक बार। अब ठीक हो गया, ठीक है ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट, यानी अगर मैं बात करूं तो ये वाला आपको ग्रुप, पहले इस ग्रुप को ऐसे पढ़ना है, इस तरीके से स्टडी करोगे ना आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपका कॉस्ट शीट से ही रिलेटेड सारा है। ग्रुप 1 सर कितना टाइम लेना है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इसको, 1 डे, 1 डे, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप प्लस में आधा दिन और एड ऑन कर सकते हैं, 1.5 दिन में इसको खत्म कर गया। मैंने मिनिमम 20 मार्क्स बोला है, मैक्सिमम आपका 30 का भी इसमें से आ सकता है आपका नंबर। दूसरी नंबर पे आपको उठाना है सबसे पहले मटेरियल, लेबर ये करना है। पहले मटेरियल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दें, इसमें से थ्योरी भी पूछा जाएगा, इसमें से मिनिमम मैक्सिमम वाला, मिनिमम और मैक्सिमम वाला, ईओक्यू तो इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम का उसी में कवर हो जाता है। और लीफो फीफो, लीफो फीफो यानी और वेटेड एवरेज, इसके अंदर शॉर्टेज वाला जरूर करके जाइएगा, पॉइंट शॉर्टेज वाला। तो इसमें से ये टॉपिक करने हैं आपको। नंबर 2 लेबर, लेबर में आपने बोनस के प्लान कर लीजिए, बोनस के प्लान जो कि आने की संभावना ज्यादा है, इसको आप एक साथ पढ़िए, ठीक है ना, इसको एक साथ पढ़िए। और सर जिस बच्चे ने पढ़ रखा है मैं दोनों की बात करूंगा, जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए भी बात करूंगा, जिसने कुछ पढ़ रखा है, अभी मैं फिलहाल जो बात कर रहा हूँ जिन्होंने पढ़ रखा है उनके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, जो हमारे बैच पे बच्चे पढ़ रहे थे शुरू से। तो सर इसके अंदर जो टाइम लगेगा ना वो 1 डे, 1 डे आपको, देखिए 1.5 दिन ये लगाइए मेरे हिसाब से, अब पढ़ रहे होंगे जो पढ़ रहे होंगे इसके अकॉर्डिंग चलिए, और ये रहेगा। तीसरे नंबर पे आपको क्या उठाना है सर, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस, प्रोसेस
सर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से वो जो था ना बैलेंस शीट वाला कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, और जिसमें बैलेंस शीट भी बनाने को बोला जाए वो, और 2 ईयर का डेटा, और नॉर्मल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, नॉर्मल आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। क्वेश्चन प्रोसेस के अंदर दो टॉपिक आ जाता है हमारा सर, एक सिंपल नाम दूंगा मैं और एक इक्विवेलेंट मेथड। पर सिंपल के अंदर आपने जो सबसे टफ वाला क्वेश्चन था ना, जिसके अंदर एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाया जाता है, वो वाला टॉपिक करके जाइएगा, वो टॉपिक जरूर से जरूर करें आप, ठीक है ना। तो ये नंबर 2 पे लिखना है सर। मार्क्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन भी बता देते हैं, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी बना देते हैं। ये नंबर 2 पे रखना है आपको। अभी वॉइस हैंड रेस कुछ बच्चे कर रहे हैं, तो मेरे पास अभी लैपटॉप है, तो लैपटॉप के यूएसबी में जब कनेक्ट करते हैं हम माइक को, तो फिर साउंड तो नहीं आती, आपको भी पता है। तो या तो मैं माइक से बोल सकता हूँ या हैंड रेस, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये इशू आ जाता है, तो इसलिए मैं हैंड रेस तो नहीं ले पाऊंगा, कमेंट जरूर सभी के रिप्लाई करूंगा। सर कितना टाइम लेना? आइडियली इसके अंदर 1.5 डे, ठीक है ना। देखिए आपके 1.5 3 दिन और 1 4 दिन निकल गया, आपके पास ऑलमोस्ट 2 दिन पड़ा हुआ है अभी, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है सर, इसी ग्रुप में पढ़ेंगे, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, ऐसा नहीं कि पहले ये चैप्टर कर लिया फिर ये कर रहे हो, फिर ये कर लिया फिर ये कर रहे हो, इससे क्या होगा, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्शन टूट जाएगा जब का। अब आ जाते हैं हम मशीन आवर रेट, सर्विस कॉस्ट, इन दोनों को एक साथ करिए, इन दोनों को एक साथ करिए, और मैक्स टू मैक्स 1 डे में अच्छे से कवर हो जाता है ये। और अगर आपने सारे जब पहले से पढ़ लिए तो घंटे में रिवाइज कर सकते हो, आप क्वेश्चंस कुक कर सकते हो ट्राई 1 डे। इन दोनों को साथ में ही करना है आपने, अलग अलग करेंगे तो फिर आपका टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर मिलते जुलते, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको इंडिविजुअली करना है, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा ओवरहेड रेट, दूसरा ओवरहेड रेट आप इसको साथ में करें है। हालांकि ये चैप्टर जो है ना, ये ओवरहेड का ही पार्ट है, लेकिन मैं नहीं मानता कि इसको इसके साथ मिला के करना चाहिए, मेरा मानना है इसके साथ करना चाहिए, इजीली हो जाता है हमारा, ठीक है ना। इसके बाद हमारे चैप्टर्स कुछ बच जाते हैं, जैसे कि इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड। इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपके थ्योरी आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटीग्रेटेड अकाउंट, नॉन इंटीग्रेटेड चैप्टर बना के डाला हुआ है फोल्डर में, और दूसरा इसमें से जर्नल एंट्री पूछा जा सकता है, एक ऑप्शन में होगा वो भी जर्नल एंट्री। तो ओवरऑल हमारा ये चार्ट है सर। अब इसके अंदर टॉपिक्स नहीं बताया मैंने, इसके अंदर टॉपिक्स बता देता हूं। मशीन आवर रेट के अंदर आप सिंपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और उसके अंदर ऐसा कोई टॉपिक नहीं है। हाँ कॉस्ट के अंदर 2 टॉपिक आ जाता है, टन किलोमीटर वाला आ जाता है, और एक आ जाता है आपका पैसेंजर किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर वाला। तो ये दोनों करिएगा आप इसके अंदर, और इसके अंदर भी जो मेन पॉइंट है ना वो बता देता हूँ, टेकिंग टाइम वाला करना है आपने, टेकिंग टाइम वाला, वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है टेकिंग टाइम। ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इक्वेशन मेथड से सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो करते थे वो वाला करिएगा जरूर। ओवरहेड रेट्स में से कुछ भी पूछा जा सकता है आपका, ठीक है। ये ओवरऑल चैप्टर है सर, इन शॉर्ट में बात। तो इसके अंदर आपका 1 डे, ये दोनों 1 डे में हो सकता है, तो आप देखिए टाइम को मैनेज, इसको 1.5 दिन में करिए, इसको 1 दिन में करिए 2.5 दिन, इसको 1.5 दिन में करिए 4 दिन हो गए, और 1 दिन इसमें लग जाएगा आपका, 1 दिन 5 दिन, और आधा आधा दिन इसमें लगाइए 6 दिन हो गया। मैं कहूंगा कि मैंने तो मैक्सिमम टाइम लिया है, अगर आपका जल्दी हो जाता है जाने से पहले रिवाइज दें कि पेपर आसान आए या मुश्किल आए, मैटर नहीं करता। दूसरा आप ये टेंशन छोड़ दीजिए कि आपके क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन मैं दूंगा, सोल्यूशन करके दे दूंगा, और पेपर वैसा बिल्कुल भी नहीं आता, थोड़ा बहुत मतलब सब चीज चेंज हो जाता है, लगभग समझ में आ जाता है, तो पेपर को हम पहले से ही मिल रहे हैं।
चलिए सर, अब यहाँ पे दूसरी जो स्टूडेंट है ना, दूसरी स्टूडेंट वो है जो कि बिल्कुल मान के चलो कि कुछ भी नहीं पढ़ा। दूसरे स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं अभी तक, जो थोड़े बहुत पढ़ पा तो आ रहे थे, किसी वजह से नहीं पढ़ पाए, कुछ भी हो गया, एक्स वाई जेड हो, उसकी बात करते हैं। उनको कौन कौन सा चैप्टर करना चाहिए, मैं ग्रीन मार्कर से टिक कर देता हूँ, उनको ये चैप्टर करना चाहिए तो कि 5 दिन के अंदर ये कवर हो जाए और पास हो जाओगे। नंबर वन, सबसे पहले कॉस्ट शीट करना चाहिए और एक ये करना चाहिए, टिक मार रहा हूं मैं इसके अंदर, ये ना करें अभी। देखिए जैसे जैसे टिक मार रहा हूं आप नोटिंग करके नंबरिंग लिख लीजिएगा, एक नंबर पे ये करें, दो नंबर पे ये करें, नंबर तीन पे ये करें सर वो, नंबर चार पे ये करें वो, नंबर चार के बाद नंबर पांच पे ये करें और नंबर छह पे ये करें, ठीक है। इसमें से देखा जाए तो आप कर सकते हो नंबर सात पे ये ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन, लास्ट में समय बचे तो इनको टाइम दीजिएगा, और इसके अंदर से भी मैं बोलूंगा आप कोई भी दोनों कर सकते हो, इस तरीके से रहेगा। बाकी के चैप्टर जिसपे मैंने ग्रीन मार्कर नहीं लगाया, बाकी आप नहीं करते हो तो भी आपका चलेगा। दूसरी बात, आपको जो सिक्वेंस बताया गया वो करना है, और जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा वो थोड़ा टाइम दे। देखो मैंने दो ही चैप्टर टिक किया है, इसको पूरा डे ले ले बेसिक, लेकिन इसके अंदर आपको टाइम ज्यादा देना है। इसलिए टाइम मैं कह रहा हूं ज्यादा देना है बिकॉज ऑफ के यहां से कंसेप्ट बनेगा बेस, इसके बाद आपको ये करना है। ये वन डे में भी हो सकता है, लेकिन आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़ रहे थे या जिन्होंने प्रैक्टिस बीच में छोड़ दिया था, तो मेरा एक ही आप लोगों से बोलना है कि लिख के करिएगा, नहीं तो वीडियो देखिएगा और कॉन्सेप्ट उड़ जाएगा। जरूर लिख के करें, आप थोड़ा टाइम दीजिए, देखिए 3 से 4 दिन लगा दीजिए आप, 10 घंटे 12 घंटे इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिख लिख के करिए। मन करेगा यार वीडियो देख लेते हैं, 2x पे देख लेते हैं या 1.5x पे देख लेते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसको लिखिए भी पॉज करके, बहुत जरूरी है। हालांकि क्लास नोट्स दे रखे हैं, क्लास नोट्स में भी लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, आपको लिखना पड़ेगा तभी आपको उसका फायदा मिलेगा एग्जाम में, वो मैं पहले बोल देता हूँ। जो बच्चा नहीं लिख के करेगा एग्जाम में फंस जाएगा वो जाके, ठीक है ना। तो सर ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि उन बच्चों को कर लेना चाहिए, ये अच्छे से करेंगे, ये बहुत इजी चैप्टर है। इसके बाद मैंने बोला कॉन्टेंट भी उन बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये भी थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है इसके आर एस के अंदर। लास्ट में आप CRS करें, लास्ट में मैं उन बच्चों को हिदायत दे रहा हूँ कि सबसे लास्ट में CRS करें, तो इस तरीके से लेके चलेंगे, क्योंकि वो कहीं बीच में कुछ इधर उधर कर देते हैं, चैप्टर एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, कुछ चैप्टर समझ में नहीं आया तो पूरे पजल बनाते हैं, यार समझ ही नहीं आ रहा आप बता कैसे देंगे। लास्ट टाइम पे मेरे पास बहुत सारे बच्चों का आया कॉल के, सर हमसे नहीं लगने को हो पाएगा, आपने देखा, मानता हूँ कोई लेंदी था, लेकिन ऐसा नहीं था कि आपने ऐसे क्वेश्चन कभी देखे ही नहीं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था, आपने करे हुए थे, देखे हुए थे, जिन्होंने शुरू से पढ़ा हुआ है और पेपर करके भी आए हैं। मैं ये कहूंगा कि पेपर थोड़ा सा लेंदी होता ही है, था नहीं रीजन भी ना, आपने प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो आपको लेंदी नहीं होगा, लेंदी चैप्टर का होता है, क्योंकि डमी शीट वाला क्वेश्चन ही देखो 4-5 पेज में पहुंच जाता तो टाइम तो पता ही नहीं लगता कहाँ निकल गया, लेकिन प्लस का इन शॉर्ट पेपर आएगा, इसका सोल्यूशन भी दे दूंगा। तो मेरा बस यही कहना है, ध्यान से पढ़िए, 4 दिन को अच्छे से यूटिलाइज करिए, ये मत सोचिए 4 दिन पढ़ा हुआ है, मान के चलिए आपका हर एक मिनट कीमती और हर एक मिनट निकल जाएगा, इस तरीके से आपको सारा पढ़ना है। अब बात रही मैराथन वगैरह की, मैं एक मैराथन लेके आ रहा हूँ जिसके अंदर मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा उसकी, उसकी टेंशन मत लीजिए, और लिंक जो पेड वाले बच्चे उनको शेयर कर दूंगा। वो है क्या बेसिकली, उस वीडियो का पर्पस क्या है, उस वीडियो के अंदर क्या है कि हमने और भी तक टॉपिक किए हैं और उस टॉपिक के एक वीडियो बना दिया कॉन्सेप्ट वाइज, सिर्फ हमने पुरानी ही वीडियो है लेकिन उसको कॉन्सेप्ट वाइज हमने करने की कोशिश करी है कि लाइक मान के चलो मटेरियल है, मटेरियल अगर 1.5 से 2 घंटे में खत्म हो जाता है तो बच्चों को लगता है हाँ यार ये 1 से 1.5 घंटे में कॉन्सेप्ट रिविजन पर्पज के लिए ठीक है। बाकी जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से पढ़ रखा है इन चक्कर में मत पढ़िएगा, वन मैराथन वन शॉर्ट वीडियो इन सब चक्करों में मत पढ़िए, आपने जो पढ़ रखा है बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, उसी की तैयारी करते रहिए जो शुरू से पढ़ रहे थे। जो बच्चे लास्ट मोमेंट में उनके लिए ये वीडियो होता है, समझ लीजिए आप, क्या पता जो बच्चा शुरू से पढ़ रहा था इन चक्करों में पढ़ के मेन मेन कॉन्सेप्ट छोड़ दे और एग्जाम के अंदर फिर दिक्कत हो जाए, तो मैं क्लियर कर देता हूँ उस बात को, ठीक है। तो चलिए अब जिन बच्चों के कमेंट में डाउट आए हैं उनसे पूछ, रह गया था मिस हो गया था थ्योरी का, तो थ्योरी आपके एग्जाम में 30 नंबर की थ्योरी आएगी, ध्यान रखिएगा, और जो थ्योरी मैंने वीडियो बना के कराया हुआ है एग्जैक्टली वही थ्योरी एग्जाम में आया हुआ है, आप पेपर उठा के देख लीजिए, उसी वीडियो के 1.5 से 2 घंटे को देख लीजिए और उसी थ्योरी को आप अच्छे से करके जाइए। और मैंने एक नोट्स भी डाला हुआ है थ्योरी का जिसके अंदर मैंने करीब 12 या मेरे ख्याल 17 क्वेश्चन, मुझे याद नहीं है क्वेश्चन लिखे हुए, उन्हीं में से थ्योरी आएगा, उस थ्योरी को आप लिख लीजिए, इसके आंसर सारे 10 ईयर के अंदर अवेलेबल है। इसका भी सेम हो जाएगा, 5 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा।
अनाउंसमेंट मिल जाएगी। कुछ बच्चों का देखिए अभी भी, वैसे तो मैं अभी एग्जाम के टाइम पे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, कुछ बच्चों ने पूछा भी सर हम एफएम है उसमें चॉइस है, बिल्कुल इंडस्ट्रियल लॉ चॉइस है, तो पूछना है कि सर हम एफएम ले या इंडस्ट्रियल लॉ। मैं बच्चों को रिकमेंडेशन करता हूँ कि एफएम ले, क्यों? रीजन बीइंग, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आगे फर्दर स्टडी नहीं करेंगे, दोनों सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट में कोई बुराई नहीं, अगर फर्दर स्टडी नहीं करते, जैसे आप एमकॉम नहीं कर रहे या फिर आप एमबीए नहीं कर रहे, और मेरा मानिएगा अभी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हम ग्रेजुएशन कर ले बस जॉब पे लग जाएंगे, नहीं उनको करनी पड़ती आगे स्टडी। तो थ्योरी सब्जेक्ट अगर आपको आगे पढ़ाया जाएगा ना तो आप पढ़ लोगे तब भी, जैसे अभी भी थ्योरी आप पढ़ के, किसी ने पढ़ाया थोड़ी, आपने पढ़ के पास किया आगे, लेकिन अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आपको नीड पड़ जाती है हेल्प की। एमबीए एमकॉम में कोई भी कोचिंग नहीं मिलता फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, और सब्जेक्ट ये वाला कंपलसरी हो जाता है एमबीए में या फिर एमकॉम के अंदर या फिर कोई भी अदर प्रोफेशनल कोर्सेस आप करते हो तो वहां कंपलसरी हो जाता है ये सब्जेक्ट। तो बच्चों को काफी दिक्कत आती है, उनको वो कोचिंग नहीं मिलता, तो मैं कहता हूँ ग्रेजुएशन में कर लो। और मैं कहता हूँ कॉस्ट से आसान है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आप ध्यान रखिएगा कॉस्ट से आसान है, अभी कॉस्ट का पेपर दीजिएगा पता चल जाएगा, कॉस्ट से आसान फाइनेंशियल मैनेजमेंट है।